अपने परिवार और इस्लाम को छोड़ने की वजह से चर्चा में आई सऊदी युवती रहाब मोहम्मद अल कुनन को आखिरकार शरण मिल गई है और ये शरण दी है कनाडा ने। पहले खबर आई थी कि यूएन की अपील पर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा रहाब को शरण दे सकते हैं, लेकिन सऊदी दबाव की वजह से कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया और कनाडा ने रहाब मोहम्मद अल कुनन को अपने यहाँ शरण देने का ऐलान किया। रहाब को कनाडा में शरण देने का बकायदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया। Canada, as you know, has been closely following the situation with Ms. Rahaf Al-Kunun. Our diplomats in Thailand have been engaged with our partners and allies, particularly with the United Nations High Commission for Refugees. The UNHCR has made a request of Canada that we accept Ms. Al-Kunun as a refugee, and we have accepted the UN's request. दरअसल 18 साल की रहाब मोहम्मद अल कुनन अपने घर से भागकर ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, तभी फ्लाइट चेंज करने के दौरान थाईलैंड में उन्हें पकड़ लिया गया और थाई अधिकारी उन्हें वापस सऊदी अरब भेजने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद अल कुनन ने अपने आप को बैंकॉक के एक होटल में बंद कर लिया और ट्विटर के जरिए लोगों के साथ अपनी कहानी साझा की और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया, कई और संगठनों का ध्यान उनकी ओर गया। इसके बाद यूएन ने अल कुनन को शरण देने की अपील की थी। वही रहाब को शरण देने के फैसले का यूएन ने स्वागत किया है। गौरतलब है कि रहाब मोहम्मद अल कुनन ने बताया था कि वो इस्लाम त्याग चुकी है और वो ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई और नौकरी करना चाहती है, लेकिन सऊदी अरब में उनके लिए अपने सपने पूरे कर पाना संभव नहीं था, इसलिए वो सऊदी अरब से भागी। अगर अल कुनन को सऊदी अरब वापस भेजा जाता तो उन्हें फांसी हो सकती थी, क्योंकि सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है। हम रहाब मोहम्मद अल कुनन को कनाडा में शरण दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं। पिछले कुछ दिनों में अल कुनन की समस्या ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, इससे दुनिया भर के लाखों शरणार्थियों की हालत पर भी कुछ रोशनी जरूर पड़ेगी।